नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, सके साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 मार्च 2022 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, ये दिन मंगलवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और दोस्तों ये दिन घनिष्ठा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों परिग नाम का शुभ योग सुबह के 11:17 रहेगा, उसके उपरांत ही शिव नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे और दोस्तों इन राहु कल के समय शाम के 3:32 से लेकर शाम के 4:59 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप यह राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें और दोस्तों चंद्रमा ये दिन मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार कर जाएंगे। दोस्तों, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। जब आप माफ करते हैं तब आप भूत को नहीं बदलते, लेकिन आप निश्चित रूप से भविष्य को बदल देते हैं। अपने दुश्मनों को क्षमा कर दीजिए पर कभी उनके नाम मत भूलिए। दोस्तों, क्षमा एक ऐसा उपहार है जो हम स्वयं को देते हैं। क्षमा प्रेम का अंतिम रूप है। दोस्तों, एक दोस्त को क्षमा करने की अपेक्षा एक दुश्मन को क्षमा करना आसान है। कोई वहां तक माफ करता है जहां तक वो प्यार करता है। दोस्तों, बदला लेने के बाद दुश्मन को क्षमा कर देना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, वो जो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता वो उस पुल को तोड़ देता है जिसे उसे पार करना था, क्योंकि हर व्यक्ति को क्षमा पाने की आवश्यकता भी होती है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में जीवन के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहेगा। आपका रहन सहन तथा बोलचाल का तरीका जो है सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करेगा। घर में भी कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होने जैसी योजनाएं बनेंगी। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में भूमि की खरीद फरोख्त करते समय पेपर्स की अच्छी तरह से जांच पड़ताल अवश्य करें। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, उनकी वजह से आपके मान सम्मान पर आंच आ सकती है, तो इन बातों पर आपको यश में गौर करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, पैसे से संबंधित व्यवहार पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण होने की वजह से जो भी बातों में आपको बदलाव चाहिए वह बातें आपके मन के मुताबिक होंगी। दूसरों के द्वारा साथ मिलने की अपेक्षा रखना आपको दुखी कर रहा है, तो दोस्तों फिलहाल यश में अपने मार्ग पर अकेले चलने के लिए ही मन को तैयार रखें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि दिनचर्या में कुछ अप्रत्याशित बदलाव भी महसूस करेंगे। आप हर परिस्थिति का मुकाबला हिम्मत व फिर साहस से करेंगे। खासतौर पर महिलाओं के लिए जो समय है बहुत ही सुकून भरा साबित होगा। नई योजनाएं बनेंगी और परिस्थितियां लाभदायक रहेंगी। इसके उपरांत यश में किसी नैतिक संबंधों से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए संयम रखें। अपनी क्षमता से अधिक काम करने से आप बचें। यश में इनका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दोस्तों, काम के बीच बीच में आराम भी लेना आपके लिए उचित होगा। पुरानी नकारात्मक बातों को याद ना करें, वर्तमान में रहकर आपको अपने कार्यों को करें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में फिलहाल आप वक्त केवल परिस्थिति और खुद का अवलोकन करने में ही बर्बाद कर रहे हैं। जिन बातों में बदलाव लाने की आवश्यकता है उन बातों पर काम करना यश में अत्यंत आवश्यक होगा। आपको बता दें कि अपने वक्त को बर्बाद ना करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की यश में आप कोशिश करते रहें, आपको अवश्य एक अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में ग्रह स्थिति पूर्णतः अनुकूल है। यश में अध्यात्म और अध्ययन संबंधी कार्यों में भी बेहतरीन समय व्यतीत होगा। कोई शुभ सूचना भी मिलेगी। सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य में अपना वर्चस्व बढ़ाने से समय आपका उत्तम होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में संतान की पढ़ाई से संबंधित कुछ चिंता रहेगी। अजनबी लोगों पर भरोसा ना करें। ध्यान रखें कि आलस व फिर बहुत अधिक सोच विचार करने से ही समय व्यर्थ हो सकता है।
तो दोस्तों इनसे बचें, इससे आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में नए लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाते समय सतर्कता रखने की भी आवश्यकता होगी। गलत व्यक्तियों का साथ परिचय होना आपके लिए मानसिक और फिर आर्थिक रूप से नुकसानदायक होगा। आपको बता दें कि यश में अपनी भावनाओं पर काबू रखना आपको सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बहुत अधिक व्यस्तता के बावजूद भी आप अपने परिवार व फिर संबंधियों के लिए समय निकालेंगे तथा खुशनुमा समय व्यतीत होगा। आपकी कार्य कुशलता द्वारा उम्मीद से ज्यादा आपको सफलता मिलेगा, उम्मीद से ज्यादा आपको लाभ होगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या से आपको राहत मिलेगी। इसके उपरांत दोस्तों किसी भी प्रकार की यात्रा करने से परहेज करें, कुछ विरोधी आपके लिए विपरीत परिस्थितियां बना सकती है, इसलिए दोस्तों यश में किसी पर अधिक विश्वास ना करें तथा चौकन ना रहें। और दोस्तों यश में घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपका अधिकतर वक्त परिवार के लोग और व्यक्तिगत रिलेशनशिप को ठीक करने में ही व्यतीत हो सकता है। आपको बता दें जिनकी वजह से आपको मानसिक समाधान तो प्राप्त होगा, लेकिन किन रिश्तों पर आपको कितना निर्भर रहना है दोस्तों और कितना ध्यान देना है, इस बात को यश में समझने की भी आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय गतिविधियां घर पर ही रहकर सुचारू रूप से क्रियान्वित करते जाएंगे। फोन और संपर्कों के माध्यम से सब व्यवस्था हो जाएगी। आपको बता दें शेयर्स आदि में निवेश करने का उत्तम समय होगा, परंतु उसके बारे में उचित जानकारी अवश्य ले लें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यापारिक गतिविधियों में सुधार भी आएगा, सिर्फ थोड़ी सी सूझबूझ से आपको काम लेने की जरूरत होगी। यश में उपलब्धियों वाला समय होगा, योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों का अंजाम दें। इसके उपरांत दोस्तों आर्थिक स्थिति तो आपके यश में बेहतर होंगी ही, परंतु आपका जो घर का माहौल है उनमें भी सुधार आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में आर्थिक मामलों में कुछ मनन व फिर चिंतन करने की भी जरूरत होगी। व्यवसाय में कार्य प्रणाली संबंधित नीतियों पर विचार विमर्श जरूर करें। अगर कोई विभागीय जांच चल रही है तो दोस्तों उसका परिणाम आपके पक्ष में ही होगा, इसलिए यश में तनाव अपने ऊपर हावी न होने दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव का वह फिर दबदबा बना रहेगा, नए ऑर्डर भी आपको मिलेंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, इस बात पर आपको यश में गौर करना चाहिए तथा अपने काम की क्वालिटी को भी और अधिक बेहतर बनाने की प्रयास करना चाहिए। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की राय आपको यश में व्यवसाय के निर्णय लेने में सहायक साबित करेंगे, तो दोस्तों उनकी सलाह यश में आप ले सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में व्यवस्था के बीच परिवार के लिए भी समय अवश्य निकालें। प्रेम संबंधों में इसमें प्रगढ़ता आने वाली है तथा विवाह के योग भी बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा संबंध रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी, दोनों एक दूसरे के लिए बात व फिर सलाह को अहमियत देंगे, परंतु व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय इसमें नष्ट ना करें, ये आपके लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों दाम्पत्य जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी, छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, प्रेम संबंधों की भावना जो है प्रधान बने रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल भी रहेगा, घर के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होगी, परंतु विवाहेतर संबंधों से दूरियां बनाकर रखें, ये आपके लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, सिर दर्द व फिर माइग्रेन की समस्या परेशान करेगी, बादी अथवा बासी भोजन खाने से परहेज करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें छाती से संबंधित कुछ परेशानी होगी, परंतु यह मौसमी बदलाव की वजह से हो सकता है, सर्दी से अपना उचित बचाव रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी किसी समय थकान और आत्मबल की कमी महसूस होगी, कुछ समय अध्ययन और मेडिटेशन पर अवश्य व्यतीत करें, ये आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके साथ दोस्तों यश में अगर आप सावधानी को रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, हल्की फुल्की मौसमी परेशानियां आपको हो सकती है, जरा सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी, तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा ऑरेंज और भाग्यशाली अंक रहेगा 9।